तो दोस्तों, क्या आप भी YouTube पर वीडियो देखते हो और देखते समय आपको वो एक चीज़ का बहुत ही मतलब कि परेशानी का सामना करना पड़ता है, और वो चीज़ है कि आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाना। दिन भर आपका इंटरनेट चलता नहीं है, आपका कोई भी अगर शो है तो उस शो देखने से पहले ही आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। तो आज अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। आपका दिन भर इंटरनेट चलेगा, आपका जितना भी आप चाहो उतना आप दिन भर इंटरनेट यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसके चाहे आपका 1.5 GB का प्लान हो, चाहे आपका 1 GB का प्लान हो, पर दिन भर आपका यहाँ पे यूट्यूब चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ 4 सेटिंग आपको यूट्यूब पर करना होगा। इस ये करने से आपका इंटरनेट जो है कि दिन भर आपका चलने लगेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि किस तरह से हम दिन भर इंटरनेट चलाएँगे, किस तरह से बचाएँगे। तो उसके पहले फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन में आ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन में आ गए हैं और हम आज जानेंगे कि हमारा दिन भर इंटरनेट किस तरह से चलेगा, वो कौन सा 4 सेटिंग है जिनको ऑन करने से हमारा दिन भर इंटरनेट चलेगा। जितना भी हम यहाँ पर वीडियो देखेंगे हमारा इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग वाला जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सेविंग, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि डाटा सेविंग मोड को ऑन करने के लिए बोला, जी हाँ फ्रेंड्स, डाटा सेविंग मोड को ऑन तो करना ही है, पर यहाँ पर और भी सेटिंग है वो भी आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा सेविंग मोड ऑन हो गया और यहाँ पे जितना भी यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ ऑन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका वीडियो क्वालिटी, यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं आपका वीडियो क्वालिटी को थोड़ा घटा देगा। यहाँ डाउनलोड क्वालिटी जो आप बार बार देखते हो वो सेव हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, वो क्वालिटी भी आपको यहाँ पर घटा देगा। और यहाँ पर स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी ये भी आपका घटा देगा। तो इस तरह ये सब सेटिंग आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है, पहला सेटिंग आपने कर दिया, अब यहाँ पे दूसरा सेटिंग आपको कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका और एक सेटिंग, दूसरा सेटिंग आपको कर लेना है। तो दूसरा सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ही आपका फीड में चलने लगता है। आप यहाँ पे कुछ स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक चल रहा है, हम इसे क्लिक नहीं किए फिर भी ये हमारा प्ले हो गया है। तो इससे भी आपका इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा खपत होता है। देख सकते हैं सब यहाँ पे ऑटोमेटिक चल रहा है, शॉर्ट भी चलने लगा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे ये वीडियो भी देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही चलने लगा है। तो इसको भी आपको यहाँ पे बंद करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल है उसमें फिर से आ जाना है, फिर से यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पे जनरल का एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं प्ले बैक इन फीड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। आपका यहाँ पे वाईफाई या कुछ भी किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ऑफ कर दिए। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक, अब ये यहाँ पे नहीं चल रहा है, नहीं प्ले हो रहा है। तो दूसरा सेटिंग हो गया, अब आपको यहाँ पे तीसरा और एक सेटिंग कर लेना है। तो उसके लिए और एक सेटिंग आपको कर लेना है, तीसरा सेटिंग आपको कर लेना है। वो सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका मोबाइल अगर बच्चों के हाथ लग जाता है तो आप वहाँ पे आपका जितना भी वहाँ पे सेट करोगे, मतलब वहाँ पे आपको MB सेट करना पड़ेगा। जितना भी आप वहाँ पे सेट करके रखोगे उतना देर, मतलब उतना MB कटने के बाद वो आपका प्ले, मतलब कि आपका नहीं चलेगा यूट्यूब, नहीं चलेगा वो इंटरनेट, वहाँ से कनेक्शन कट जाएगा। इसके बाद फिर आपको वहाँ पे रिमाइंडर आएगा, आप वहाँ पे परमिशन दोगे तो फिर आपका वहाँ पे चलने लगेगा। तो ये सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो कोई भी बच्चा आपका घर में, अगर बच्चा को आप देते हैं तो वहाँ तक चलने के बाद तो नहीं चलेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक मोबाइल छोड़ देगा। अगर आप मांगोगे फिर भी आपको नहीं देगा, लेकिन वो नहीं चलेगा तो ऑटोमेटिक अपना छोड़ देगा मोबाइल। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक कर लेना है, फिर से यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ डाटा सेविंग मोड का जो ऑप्शन था उस पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। नीचे देख सकते हैं लास्ट में डाटा, मोबाइल डाटा यूज़ रिमाइंडर, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा 1 GB या 500 कुछ, इतना मतलब जितना आप खर्च करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि इतना के बाद मुझे रिमाइंडर आ जाए कि इतना ख़त्म हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि आप भी कुछ अगर देख रहे हो, अगर कोई आपका काम बचा हुआ है तो आप वो काम के लिए आप अपना MB को बचा के रख सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे 500 MB तक कर लेते हैं, 500 MB कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये सेटिंग अगर कर लेते हो तो सुबह से आपका 500 MB जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका चलेगा। 500 MB ख़त्म हो जाने के बाद आपका यहाँ पर यूट्यूब नहीं चलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप
चौथा सेटिंग जो है वो आपको करना पड़ेगा, एक ऐप्स एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो प्ले स्टोर में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा गार्ड का एक मतलब कि सर्च करना है प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगा, फिर यहाँ पर नोट नाउ में क्लिक कर लेना है, आई एम एग्री में क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर आपका सामने थोड़ा सा इस तरह से लोड लेगा और यहाँ पर ओके वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ओके कर देना है, यहाँ पे ऊपर में भी ओके कर देना है, फिर से ओके आ रहा है, फिर से ओके आ रहा है, आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितना भी आ गया सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, जितना भी आपका ऐप्स है जिसमें आपका इंटरनेट खपत होता है सब यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक वाईफाई और एक टावर का अब मतलब कि शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपना, जिसमें आपका इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें आप ऑफ करके रख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे किस में मान लीजिए कि इस सब में हम अभी काम नहीं कर रहे हैं तो इस सब में हम ऑफ करके रख सकते हैं। इस गेम में अभी ऑफ कर दिए, इसमें भी ऑफ कर दिए, फ्लिपकार्ट में भी ऑफ कर दिए, जब हम चलाएंगे तब यूज़ करेंगे, नहीं तो इससे हम बंद करके रखेंगे। तो इस तरह जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है उसमें आप यहाँ पर ऑफ करके रख सकते हो। इस तरह करके ऑफ अगर कर देते हैं यहाँ पर, चलिए हम यूट्यूब में करके दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम कर दिए और उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर इसको ऑन ज़रूर कर लेना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। अगर ये आप ऑन नहीं करते हो तो आपका काम नहीं करेगा। और यहाँ पे इसको ओके कर लेना है, यहाँ फिर से तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा गोल गोल घूम रहा है, ये हमारा चल नहीं रहा है, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से कट चुका है। तो इस तरह सेटिंग करके आप अपना मतलब कि MB को बचा सकते हैं, जिसमें भी आप कट लगाना चाहते हैं कट लगा सकते हैं, मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।